तुम्हारा सूट कर रहे हैं। मुझे अंकल बना दिया क्योंकि दाढ़ी मूछ मैंने रखा हुआ है, मेरे को हटाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी सुबह हो रहे हैं 7 और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कब ये फाटक खोले और पापा उधर से बाइक लेके आए। और दोस्तों अभी हम लोग लेने जा रहे हैं पूटी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पूटी बहुत ज़्यादा था लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। कारण था कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अभी मेरे को और पापा को जाना है, पूटी लेना है और साथ में लेना है प्राइमर, उसके साथ में ब्रशेज, क्योंकि अभी वो यूज़ होने वाला है। तो इसलिए हम लोग 9 बजे से पहले ही ला के रख देंगे ताकि मिस्त्री जैसे ही लगे उनको सारा कुछ मिल जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ट्रेन आ चुकी है और कुछ देर के बाद ये फाटक खुल जाएगी क्योंकि पापा उस साइड है और इधर एक फाटक है, उधर एक फाटक है। तो मैं आ चुका हूँ क्रॉस करके। तो कल ही दोस्तों हम लोगों ने अनाउंस कर दिया यूट्यूब में कि किस तरह से हम लोग गिव अवे करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या करेंगे कि 4 चीज़ें देखेंगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। तो ये 4 चीज़ देखने के बाद दोस्तों हम लोग उन्हें एलिजिबल कर देंगे, जो भी जीतना चाहेंगे वो जीत सकते हैं। सिंपल उनको कमेंट करना और कुछ नहीं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा ही ढेर सारे गिव अवे हम लोग फेसबुक में फ़िलहाल कर रहे हैं और फेसबुक में 100 का टारगेट लिए हुए हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो जल्दी से फेसबुक जाओ, वहाँ पे सर्च करो फाइन आर्ट्स गुरुजी। ऑलरेडी हम लोगों ने 30 का कंप्लीट कर लिया और अब 100 का कर रहे हैं। तो इसमें मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। जितने सारे लोग आप देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप सबको थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से मैं गिफ्ट करूँ, इसलिए आप उसमें हिस्सा ले सकते हो। ज़रूर से ज़रूर आना यूट्यूब में। शाम 6 बजे हम लोग फेसबुक में कर रहे हैं गिव अवे और यूट्यूब में हम लोग एवरी संडे 6:30 में करेंगे। यहाँ पे किसी ने अपना निशान छोड़ दिया आर लिख के। मैं देखता हूँ हिमाचल वाला का ब्लॉग, जो जिनका नाम है रवि, तो उनका जैसे आर मेरे को देखा, मैंने को उनका डायलॉग याद हो गया, क्या ही बोले दोस्तों। इधर एक आ रहा है छुटकू, तुम्हारा सूट कर रहे हैं। मुझे अंकल बना दिया क्योंकि दाढ़ी मूछ मैंने रखा हुआ है, मेरे को हटाना पड़ेगा। तो फाइनली अब फाटक खुल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो फाटक ऊपर हो रहा है। तो अब कुछ ही देरी में पापा भी आ जाएंगे यहाँ पे, जो आपको देखने को मिलेंगे और वो आ ही रहे हैं। चलो अच्छा, इज फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज है। चलो आ गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं। चल दोस्तों, अभी सारा दुकान बंद है और हम लोगों ने एक दुकान को बोला है तो वो खोल दिए हैं हमारे लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग लेंगे पोटी। ये हाँ दुकान, तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे 8। तो फाइनली दोस्तों हम लोग दुकान पहुँच चुके हैं और मैंने इनको कॉल किया हुआ था तो इन्होंने दुकान 7:30 बजे ही खोल दिया था। लेट हो हमारा, फाटक में हो गया वहाँ पर। तो इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे रोलर, फ्रीज पेपर, ब्रश और यहाँ पे है अपना प्राइमर ले लिया है और एक पुट्टी भी लेना है, जो आप देख सकते हो। क्योंकि अभी 2 ले जाना था लेकिन अभी हम लोग आए हैं तो बाइक में एक ही ले जाएंगे क्योंकि ढेर सारा सामान पेंट करने वाला है इससे। तो अभी दोस्तों बाल का हाल देख सकते हो किस तरह से हो चुका है और यहाँ पे लग रहा है कि बाल है ही नहीं। और बम का तो पूरा वाट लग चुका है क्योंकि ऐसा बैठना पड़ा था, तो जहाँ जहाँ जर्किंग आ रहा था वहाँ भयानक लग रहा था। चलो ठीक है, देखो हंस रही है ये भी। तो चलिए अभी हम लोग अपना ड्राइंग जो कंप्लीट किए थे उसमें थोड़ा हाईलाइट देना बाकी है और उसे कम्प्लीट करना भी बाकी है थोड़ा सा। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और अब हम लोग इसे हाईलाइट देखिए कंप्लीट करेंगे और मैं थोड़ा बाल ठीक कर लेता हूँ, तो अब ठीक हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग कंप्लीट करने के बाद एडिट करेंगे। एडिट अभी थोड़ा सा बाकी है और पापा भी काम पे अपना लग जाएंगे क्योंकि उन्हें ईटा वहाँ से लाना है और अंदर करना है, तो बहुत सारा काम है दोस्तों। अभी फटाफट हम लोग चलते हैं।
सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने अपना पेंटिंग कंप्लीट कर लिया। आप करीब से देख सकते हो ये किस तरह से दिख रहा है, और आज शाम 6 बजे ये गिव अवे भी होने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मूव कर दिया और अब समय है नहाने जाने का, और यहाँ पे मिस्त्री भी लग चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और अब ये लोग यहाँ पे पुट्टी करने वाले हैं और यहाँ पे और एक लेट चढ़ाएंगे। ये जो मशीन था मिस्त्री का, ये बस बना है तो ये बच गया, क्योंकि कुछ आता देख लेता तो इसको भी चला के देख लेता। हाँ दोस्तों, तो हम लोग नहा धो के आ चुके हैं और यहाँ पे खाने में देखिए क्या क्या बना है। तो सत्तू रोटी और जो कल का करी बोलते हैं वो अभी बचा हुआ है, तो अभी हम लोग सत्तू रोटी और करी खाने वाले हैं। और गायत्री यहाँ पे अपना गुल्लक खोल रही है, ट्यूशन का फी निकाल रहे, हो सकता है तो पूरा हो चुका होगा, क्योंकि डेली में तो पैसा नहीं डाल रही थी, एक सप्ताह में 10 रुपया 5 रुपया इतना डाल रही, हो सकता है। और जिसमें सबसे ज्यादा सातू था वो सब खा चुकी है। और इसमें इसमें एक काम किया, वो काम क्या है बोले आप? नमक नहीं डाली थी। हाँ, हमको दे दिया, मम्मी बोल रही है तुमको नमक नहीं लग रहा। सो गाइस, अभी फिलहाल में बुखार अभी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे पापा फिर से पोटी 2 बोरा और लेते आए हैं, और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:38, और हम लोगों ने यहाँ पे स्केच कर लिया जो कृष्ण जी का, जैसा कि आप देख सकते हो, और अभी हम लोगों को ये कंप्लीट करना है। और पापा ने दवाई भी ला दिया है, सुबह हम लोग गए थे लेकिन पापा फिर से गए हैं, तो सिरप का दवाई भी आ गई है। अब पापा हमको बार बार कॉल कर रहे थे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 1, और हम लोगों ने अपना पेंटिंग इतना दूर तक बना लिया। अब समय है खाने का, क्योंकि माँ बुला रही है, तो चलिए अब चलते हैं खाने के लिए। पापा देखिए खाने में, तो पापा यहाँ पे खाना खा रहे हैं और मेरा भी यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो। और उधर काम हो रहा था तो, लेकिन अब मिस्त्री लोग घर चल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 लेयर उन्होंने मार दिया है और अंदर में मारना बाकी है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 3:24, और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और अभी हम लोगों ने अपना पेंटिंग इतना दूर तक बना लिया जैसा कि आप क्लियरली अच्छे से देख सकते हो। मतलब अब हम लोगों को ये बनाना हो और यहाँ पे ये, तो बस ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा 5 बजे तक। आई होप कि वेदर थोड़ा अच्छा हो जाए ताकि हम लोग इसे अच्छे से साइड बाई साइड शूट कर सकें। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था, मौसम ठीक हो जाएगा, और 2 ही मिनट के अंदर मौसम भी ठीक हो गया और यहाँ पर लाइट भी आ चुका है, और एक कोरनी आदमी आ चुकी है देख सकते हो आप। तब से दीदी के घर में थी और टीवी देख रही थी, अभी लाइट कटा है तब ये लोग आई है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 5, और हम लोगों ने अपना पेंटिंग इतना दूर तक कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा बचा हुआ, और माँ पापा देख सकते हो आप वहाँ पे ईटा डुबा रहे हैं, तो वो लगातार काम किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ईटा वहाँ पे ले जाना है। तो आप दोस्तों देख सकते हो मेरा न्यू हेयर स्टाइल, बहुत ही मस्त दिख रहा है, और मेरे आईज में पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को नींद बहुत ज़्यादा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे बज रहे हैं 8:31, और यहाँ पे मेरा ड्राइंग इतने तक कंप्लीट है, और अभी हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। तो यहाँ पे खास करके पापा और गायत्री को आप देख सकते हो पूरा काम पे लग चुके हैं, और वही लोग ज़्यादा पैक करते हैं, क्योंकि मैं ड्राइंग करता हूँ। मैं एड्रेस निकाल के सबका दे दिया हूँ, जिसे जिसे सेंड करना। तो अभी दोस्तों हम लोग स्पेशल थैंक यू बोलना चाहेंगे गायत्री को और पापा को, और आप भी कमेंट करके नीचे ज़रूर से ज़रूर बोलना, क्योंकि बैकग्राउंड में तो ये लोग काम करते हैं आपके गिफ्ट पैक करने में जो आपके घर तक जाता है, और साथ में डिलीवर भी करते हैं। तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता, आपको मालूम है मेरे को डेली अपना पेंटिंग बनाना होता है, इसी वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ, और ये सब भी पीछे तरफ चिपकाना ताकि हमारा पेंटिंग फोल्ड ना हो, फोल्ड होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आप देख सकते हो अब हमारा सारा पेंटिंग पैक हो चुका है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो एक एड्रेस में हम लोगों ने भेजा था तो ये रिटर्न आ चुका था, और किस तरह से फोल्ड हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कहीं नहीं चिपकाया कि डोंट फोल्ड डोंट फोल्ड, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब हम लोग लिख कर दे रहे हैं, तो इससे अब ये फोल्ड नहीं होगा। और एक चीज़ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी पापा इसे फेंक कर फिर से और एक कवर लगा रहे हैं, और अच्छा है अब ये अच्छा से जाएगा, किस तरह से फोल्ड हो चुका है देख सकते हो आप। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डोंट फोल्ड
चिपका देंगे ताकि हमारा पेंटिंग अच्छे से जाए और अच्छा ही बना रहे। तो ये हमारा पेंटिंग फोल्ड ना हो इसलिए हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे अब पापा उसे फिर से पैक कर रहे हैं और फिर से भेजने वाले हैं हम लोग, क्योंकि वो एड्रेस गलती था, उन्होंने हाउस नंबर नहीं डाला था, तो हम लोगों ने अब वहाँ पे हाउस नंबर ऐड कर दिया है और अब ये करेक्ट हो गया। तो आप में से भी बहुत सारे लोग देख रहे हो तो आप हाउस नंबर ज़रूर से ज़रूर डालना। तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है और ये है दूध रोटी एज ऑलवेज जैसा कि हर बार होता है, और यहाँ पे है सब्जी, वो भी किस चीज़ का सब्जी है, ऑल का सब्जी है, और यहाँ पे दाल और ये चना का सब्जी। तो चलिए अब हम लोग खाते हैं और देखते हैं कैसा बना है। गायत्री अभी भी पैक कर रही है, उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया है, उसे मैंने बोला अच्छे से करो यार नहीं तो दिक्कत हो जाए फिर, तो इसलिए वो अभी कर रही है अच्छे से। और पापा अब जा रहे हैं हाथ मुंह धोने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यार नाक में उड़ उड़ के घुस जाता है जिससे सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो सकता है। तो मैंने गायत्री को रुमाल बांधने के लिए बोल दिया, मास्क बांधने के लिए बोल दिया, अब वो ठीक से कर रही है। उसके हाथ में कहीं लग गया है, कहाँ लगा दिखा, तो करीब से देखने से पता चलेगा, पता भी नहीं चल रहा है, मेहंदी लगाई है इसलिए। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10:24 मतलब 10:30, और अभी हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्प्रे मार के छोड़ देंगे, सुबह हम लोग इसमें हाईलाइट देंगे और उसके बाद जल्दी से हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देंगे और फेसबुक में भी। और मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों कल के वीडियो में, कल ऐसा ही वीडियो 6 बजे आ जाएगा हर दिन की तरह, और आप इसी तरह से देखते रहें हमारे ब्लॉग्स को, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आप को क्या करना है लाइक कर देना, साथ में अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर नीचे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार दिखाने के लिए, तब तक के लिए बी काइंड बी हैप्पी एंड बी सेफ, आप इधर से लगा दो। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए, बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बाय।